हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 9 ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ क्लास 12th, एंड एज पर बुक 2 इट इज चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज कल्चरल चेंज। सो लेट अस स्टार्ट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी इन इंडिया। भारत के अंदर जब अंग्रेज यहाँ पे थे और उसके बाद ये पहले हम अंग्रेज वाला पढ़ेंगे कि वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस किए, या फिर उनके जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि उनके यहाँ आने पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे और जाने के बाद भी हुए। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वॉज इमर्ज्ड इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी अरोज टू द चैलेंज दैट कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी फेस्ड। देखो, सबसे बड़ा जो सोशल चेंज का या कल्चरल चेंज का जो समाज के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ था कि परिवर्तन होना चाहिए, हक की बात उठने लगी, महिलाओं को बराबर अधिकार की बात उठने लगी, वो 19वीं सदी से शुरू हुई। जैसे अब आप 1828 का सती प्रथा वाला देख लो, विडोरी मैरिज एक्ट, ये सब जो चीजें हुई, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लो, वो सब चीजें किस लिए थी? ताकि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको क्या हो सके, परिवर्तित किया जा सके। द वेल नोन इशू आर दैट ऑफ सती। अब सती क्या था? वो एक होता था प्रथा इंडिया के अंदर, मेनली अगर किसी वुमेन का हस्बैंड मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी वाइफ को भी उसकी चिता के ऊपर जिंदा बिठा दिया जाता था। अब सोचो, मतलब एक व्यक्ति को जिंदा आग में बिठा देना, और अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो वीडियोस में देखना आप यूट्यूब पे, उसमें सुइयां चुभ हो रहे हैं उसको, इस तरह बताओ कितनी ही ज्यादा दर्दनाक। ये कहने का मतलब है यार, उसका पति मर गया, उसकी क्या गलती है इसमें? ये तो प्राकृतिक नेचर है कि भाई मौत तो आनी है। अब ये थोड़ी है कि अगर उसके हस्बैंड को पहले आ गई वो भी बैठेगी। तो देखो कैसी व्यवस्था थी। इसके लिए राजा राम मोहन रॉय जी, इन्होंने बहुत आवाज उठाई, बैन किया गया। और किसने बैन किया था ये भी याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जल्दी शादी। अरे बच्चे खेलने की उम्र है और तुम उनकी मैरिज करने लग रहे हो, ये भी एक समस्या थी उस समय लोगों के साथ, तो इसको भी यहाँ पे वो किया गया। और फिर इसीलिए आज इंडिया में मैरिज की लीगल एज क्या है, मेल के लिए 21, फीमेल के लिए 18। विडोरी मैरिज, अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसकी दोबारा शादी के लिए। अब भाई वो विधवा हो गई तो सारी जिंदगी अकेली थोड़ी बैठी रहेगी घर में, उसको शादी करना है, अपना घर बसा के खुशी रहना है। एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ हायरार्की थी ना, एज पर मनुस्मृति जो सामाजिक व्यवस्था में थी, देयर आर 4 वर्ण इन द सोसाइटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण्स आर दी ऑन टॉप, क्षत्रियज आर लाइक चेस्ट, और थी भुजाएं प्रोटेक्टर, और वैश्यज आर दी जांगे, मतलब बिजनेसमैन ट्रेडर्स, और शूद्रास जो इन तीनों की सेवा। अब बताओ ये क्या सिस्टम है, क्यों वो व्यक्ति सबसे नीचे है वो क्यों सेवा करेगा भाई? तो ये सब जो कमियां थी, और आप कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, उसमें भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब बी एम राव अम्बेडकर जी, या फिर जो और मेंबर्स थे उन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, 389 पाकिस्तान डिवीजन होने के बाद 299 ले गए थे, उन सब लोगों ने इन्हीं समस्याओं को सोल्व आउट करने की कोशिश की है। देवर सेंट्रल टू बुद्धिज्म, टू भक्ति एंड सूफिज्म। ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया, ये सब भी बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ रहा था इंडिया के अंदर। हिस्ट्री का जो प्रीवियस वीडियो डला है अभी, उसमें यही है, भक्ति एंड सूफिज्म। व्हाट मार्क्ड दीज 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स अटेम्प्ट वाज मोर मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज। मिक्स ऑफ आइडियाज मीन्स अ पर्सन वॉन्ट्स दैट की सोसाइटी में सब इक्वल हो, देयर विल कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, बट द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉन्ट की देयर विल बी द हायरार्की इन द सोसाइटी, हायरार्की ऑफ डोमिनेंस ऑफ द ऑपरेशन। क्यों भाई? तो ये चीज। सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरेवाल, रिमेंबर हिज नेम, एलोबरेट्स अपॉन द मॉडर्न कंटेक्स्ट बाय स्केचिंग 3 एस्पेक्ट्स टू द मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंजिंग इन कॉलोनियल इंडिया। तो इन्होंने 3 जरिए बताए हैं जिसके उससे परिवर्तन हुआ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आधुनिक वे आते जा रहे थे कम्युनिकेशन के, चाहे आप टेलीग्राम को कह लीजिए, या फिर अब फोन तो उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे इंडिया में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके जरिए भी कम्युनिकेशन बढ़ रहा था।
फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता था, गवर्नमेंट्स के जरिए भी इस इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कुछ गवर्नमेंट्स होती थी जो हायरार्किकल बेस पे ना होकर किस बेस पे बनती थी, सोशल बेस पे या फिर कम्युनिटी बेस पे। वो क्या करती थी, कई बार कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहती है, पर यहाँ पे याद रखना ये भी चांसेस होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस ये हों कि वो अपना स्वयं इच्छा देखें या अपने हित देखें, दूसरे को हितों को सेक्रीफाइस कर जाएं। तो ये भी चांसेस थे। द नेचर ऑफ आइडियाज मीन टू से कि लोगों के विश्वास बिलीव कैसे हैं। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ब्रह्म समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब वर सेटअप, ये बनाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। आप मुझे ये बताइएगा ब्रह्म समाज कब बना इंडिया के अंदर और आर्य समाज कब बना, इसका ईयर्स बताइएगा। द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, ये संस्था बनी किस लिए? ये मेनली देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, वो किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो समाज का ओप्रेस्ड या डिस्क्रिमिनेटेड वर्ग है, जिसके साथ एक्सप्लोइटेशन हुआ है, उसकी आवाज को उठाया जा सके। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस अंजुमन एक ख्वातीन ए इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1914 में ये ग्रुप बना, ताकि जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके हक की बात उठाई जा सके। न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ना, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 से दुनिया में उजागर हुआ है। मेन मोटो क्या है लिबरलिज्म का? फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ किस चीज का? थॉट्स, बिलीफ, लिविंग, इवन इक्वेलिटी आल्सो। लिबरलिज्म जो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम्स दी गई हैं, या आर्टिकल 21 के अंदर सब पार्ट्स में जो फ्रीडम है वो वाली आजादियां। न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, नए तरीके घर बनाने के या शादी करने के नए नए तरीके। न्यू रोल्स ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स की नई भूमिकाएं, जैसे पहले क्या था कि शी विल डू ओनली द हाउस वर्क, वो घर में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, वो ये वो घूंघट करेगी, वो पर्दा कर, इस तरह की जो मान्यताएं थी वो क्या हो रहा था, सब बदल रहा था। आज आप देख लो वेस्टर्नाइजेशन या फिर जो हमने अपना मॉडर्नाइजेशन किया, उसकी वजह से सोसाइटी में कितना ज्यादा चेंज आया। नाउ अ वुमेन इज इक्वल एज टू अ मैन। न्यू आइडियाज ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल इमर्ज, और लोगों के मन में अपने कल्चर से रिलेटेड या फिर अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड प्राइड, इस तरह की भावनाएं उजागर होने लगी। द वेरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हैव कम कॉमन थीम्स, येट देयर वर आल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। देखो आमतौर पर सभी प्रैक्टिसेस क्या होती थी, सेम ही होती थी। मीन टू से कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, वो गॉड तो एक ही है, वर्शिप करने के ही तो तरीके अलग अलग है ना, तो सेम यही कि प्रैक्टिसेस तो सेम होती थी, बस उसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता था। फॉर सम द कंसर्न वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम दैट द अपर कास्ट मिडल क्लास वुमेन एंड द मैन फेस्ड, और कुछ ऐसे होते थे जो इनसे रिलेटेड समस्याओं को उजागर करते थे। फॉर अदर द इनजस्टिस सफर्ड बाय द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट वर सेंट्रल क्वेश्चन, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो मतलब कि डिस्क्रिमिनेटेड जिनके साथ जिनको ओप्रेस्ड किया गया उनके हक की बात करते थे, जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गए या फिर आप बी आर अम्बेडकर जी हो गए। ये तो अब के समय की बात है, पर उस समय की भी इस तरह के मतलब की पीपल्स थे जो इन लोगों की कमियों को या इस कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसकी आवाज को उठाते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चेंजेस, अब समाज के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, लेट अस सी संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन वी विल रीड मेनली। तो संस्कृताइजेशन क्या होता है, देखो अब कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृताइजेशन होता है कि जब स्मॉल कम्युनिटी दूसरी बड़ी कम्युनिटी को कॉपी करे, ये भी ठीक है, पर जो मेन असल मतलब होता है संस्कृताइजेशन का वो ये है कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के जैसा बनना चाहे, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स को त्याग कर वो सामने वाली कम्युनिटी की चीजों को फॉलो करे। याद रखना यहां पे चांसेस अच्छी चीजों को तो फॉलो करने के होते ही हैं, साथ में जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं वो भी फॉलो करनी पड़ती है, तभी पूर्ण रूप से संस्कृताइजेशन होता है। द टर्म संस्कृताइजेशन वाज कॉइन्ड बाय एमएन श्रीनिवास, रिमेंबर हिज नेम। इट मे बी ब्रीफली डिफाइंड एज द प्रोसेस, अब बड़े आराम से सुनना, प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट और ट्राइब्स, मतलब एक स्मॉल कास्ट का कम्युनिटी या फिर एक ट्राइब और अदर ग्रुप टेक ओवर्स द कस्टम्स, वो किसको कॉपी करे, कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, आइडियोलॉजी, स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ अ हाई कास्ट। ठीक है, आप यहां पे कास्ट लिख लेना।
तो इसको बोलते हैं हम क्या नाम, संस्कृताइजेशन। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि लोअर कास्ट, पर आप इसमें दोनों मान सकते हो, लोअर कास्ट एज वेल एज कोई भी कास्ट, कि जब हम किसी को कॉपी करें, मीन टू से कि वी आर डूइंग दिस संस्कृताइजेशन। द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मैनी साइडेड, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन, और किस तरह से देखेगा, लैंग्वेज में। हम नहीं आज इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं हम इस वक्त। दिस इज ऑल्सो दी संस्कृताइजेशन, बिकॉज वी हैव, हमने किसके जैसा बनना चाह, वेस्टर्न लिटरेचर। आज हमें इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है, फिक्शंस पढ़ाए जाते हैं या कहानियां पढ़ाई जाती हैं, वो सब चीजें, दैट इज ऑल्सो दी संस्कृताइजेशन। क्यों नहीं हमें इंडियन कल्चर पढ़ाया जाता, आइडियोलॉजी, वी हैव ओपन आइडियोलॉजी, दिस इज ऑल्सो संस्कृताइजेशन। म्यूजिक, आज हम अंग्रेजी गाने सुनना पसंद करते हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स, दैट इज ऑल्सो संस्कृताइजेशन। डांस, ड्रामा, ड्रामा सीरियल देखते हैं ना, तुर्क या टर्की के आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, बहुत सारे पाकिस्तान के आते हैं, तो वो सब। स्टाइल ऑफ लाइफ, हम किसके जैसे जीना चाहते हैं, दूसरों या फिर दूसरी कम्युनिटी। रिचुअल्स, वे ऑफ डूइंग मैरिजेस, जैसे विदेशों में आमतौर पे कोर्ट मैरिज ये सब है, लीगल मैरिज, इंडिया में भी प्रिफेयर हो रहा है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब है सोसाइटी अपने आप को क्या कर रही है, चेंज। और देखो जब भी चेंज होगा, याद रखना एक चेंज जो सोसाइटी के अंदर आता है, मेनली वो कब आता है, जब सोसाइटी का एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग को फॉलो अप करे, क्योंकि वो उसी से ही तो सीख रहा है, खुद नई चीजों को एडोप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल वॉन्ट टू इंप्रूव देयर स्टेटस। अब मान लो अगर मैं शूद्र हूं और मैं ब्राह्मण को कॉपी कर रहा हूं, तो मैं किस लिए कॉपी कर रहा हूं, ताकि जो मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है उस वक्त, आज तो हम सब बराबर हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 हमें क्या सब फ्रीडम देता है, कि वी ऑल आर इक्वल, आर्टिकल 14 ठीक है ना, आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पर उस टाइम क्यों होता था, ताकि जो मेरा डिस्क्रिमिनेटेड स्टेटस है समाज के अंदर, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, वो ना हो और मैं उनके जैसी अच्छा जीवन जी सकूं, तभी तो मैं कॉपी करूंगा उनको, नहीं तो मैं क्यों कॉपी करूंगा। दिस इज थ्रू एडॉप्शन ऑफ नेम्स एंड कस्टम्स ऑफ, और कैसे होता था, मैं उनका कस्टम, उनके नेम्स, उनकी आइडियोलॉजी, कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप, उन सबको फॉलो करता था, ताकि मुझे समाज में जो नीची नजर से देखा जा रहा है वो ना देखा जाए और मैं उनके जैसा बन जाऊं। संस्कृताइज, ये देखो हम आज के समय की बातें नहीं कर रहे हैं, जब इस समय इंडिया के अंदर उस समय ये प्रैक्टिसेस होती थी, तब हम तब के डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई भी चीजों को पर्सनली ना ले, ठीक है ना, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर हम आपकी किसी भावना को हर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, जस्ट हम स्टूडेंट्स हैं, चीजें हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। संस्कृताइजेशन एज अ कंसेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज एट डिफरेंट लेवल। अब इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। वन, इट हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर एग्जेजरेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप लोअर कास्ट टू मूव अप द सोशल लेडर। कहने का मतलब है कि भाई अब ये जो लोअर कास्ट वाले हैं, जब ये उनको कॉपी करेंगे तो उनके जैसा बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी का डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हायरार्किकल ऑफ सोसाइटी में वर्ग भी डिवाइडेड है उस वक्त, याद रखना। आज तो वी ऑल आर फ्री, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर उस टाइम वर्क भी डिवाइडेड था, कौन कम्युनिटी का क्या काम करेगा, तो उस समय के संदर्भ में पढ़ रहे हैं चीजों को। टू, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ द अपर कास्ट एज द सुपीरियर। तो जो क्रिटिसाइजर है वो ये बोलते हैं कि इसमें लोअर कास्ट वाला मान रहा है अपने आप को लोअर, तभी तो वो किसको कॉपी करना चाहता है, अपर वाले को। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक एक व्यक्ति अपने आप को लोअर मान रहा है और किसी को अपर मान रहा है और अपर वाले के जैसा बनना चाहता है। सोसाइटी उसको कह रही है कि तू लोअर है, वो तो अलग चीज है, पर वो खुद को भी लोअर मान रहा है, तभी तो वो अपर जैसा बनना चाह रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है इसका, दैट ऑफ द लोअर कास्ट एज इंफीरियर, और लोअर कास्ट वाले अपने आप को क्या मानते हैं, इंफीरियर उस समय। थर्ड, संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखो संस्कृताइजेशन क्या है, ये किस चीज को जस्टिफाई करता है, कि मैं उनके जैसा क्यों बन रहा हूं, उनके जैसा क्यों बनना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है ना, या इनइक्वालिटी या एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है मेरा। तो कहने का मतलब है कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये चीजें समाज के अंदर हैं,
तभी ये वर्ब उसके जैसा बनना चाहता है। इट अपियर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन पॉल्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इज जस्टिफेबल फॉर ऑल राइट्स। कहने का मतलब है कि ये इस चीज को भी बढ़ावा देगा कि हम लोग अब उनके जैसे बन गए, यानी अब लोग हम ये चीजें सोसाइटी के अंदर जो जन्म से सिद्ध थी कि कौन क्या अधिकार प्रूव करेगा, ये चीजें अब हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। देखो समझो, मान लो अगर सोसाइटी के अंदर कोई चीजें हैं ऐसी जो नॉर्म्स बिलीव्स हैं जो क्या करते हैं इंडिविजुअल्स को बांट रहे हैं, अब ठीक है ये एक सोसाइटी के एक वर्ग ने बना दिया, पर जब तक दूसरा वर्ग इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तब तक ये लागू नहीं हो सकते। अब यहां पे संस्कृतिलाइजेशन में लोअर वाला मान रहा है कि वो लोअर है और वो डिस्क्रिमिनेटेड है या उसके साथ ऑपरेशन है और वो कमजोर है, तभी तो वो उनके जैसा बनना चाह रहा है। तो ये भी चीज इसमें क्रिटिसाइजर बोलते हैं कि लोअर वाला अपने आप को लोअर ना माने, वो अपने आप को अपर माने। फोर्थ, सिंस संस्कृतिलाइजेशन रिजल्ट इन एडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल, इट लीड्स टू प्रैक्टिस ऑफ स्कल्डिंग गर्ल्स एंड वुमेन्स अडॉप्टिंग डोरी। अब बड़ों जैसा बन रहे हैं तो बड़ों में तो दहेज प्रथा भी थी, तो जो अब छोटों में दहेज प्रथा नहीं थी ना, अब हम जब बड़े जैसा बन जाएंगे बड़ी कास्ट वाले तो उसकी दहेज प्रथा वाला सिस्टम हमारे यहां भी, तो ये तो गलत चीज अडोप्ट हो गई। तो देखो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अच्छी चीज तो हमने उनकी अडोप्ट कर ली, अब डोरी उनमें चलता था, डोरी तो हमें भी देना पड़ेगा फिर डोरी, तो दिस इज द प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ ब्राइड प्राइस एंड प्रैक्टिसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर अदर ग्रुप सिटीजन। कहने का मतलब है पहले लोअर वालों में नहीं होता था, बट जब से संस्कृतिलाइजेशन का कंसेप्ट आया है तब से वो अपर वाली चीजें, अपर वालों की कमियां लोअर वालों में भी आ गई। फिफ्थ, द इफेक्ट ऑफ सच अ ट्रेंड इज दैट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दलित कल्चर एंड सोसाइटी आर इरोडेड। अब जब लोअर वाला अपर जैसे बन जाएंगे तो जो लोअर वालों का कल्चर और ट्रेडिशन है वो क्या होगा, समाप्त। क्यों? क्योंकि वो तो अपर जैसा बन गए ना, तो अब वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को थोड़ी फॉलो करेंगे। विद द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट �फ रिलीजन सेल्फ कॉन्शियसनेस इन द 20th सेंचुरी देयर वॉज एन अटेम्प्ट इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज टू ड्रॉप संस्कृत वर्ड एंड फ्रेजेस। कहने का मतलब है कि बहुत एंटी ब्राह्मणिकल चीजें की गई जिससे क्या हो सकी, जो वो संरचना पूरी बन गई थी समाज के अंदर, मिंटू से कि जो वो हायरार्किकल मॉडल बन गया था उसको खत्म किया जा सके और समाज का एक वर्ग भी चीजों के एक वर्ग पे ही सारी चीजें ना रहे। द रिसोर्सिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और कहने का मतलब है जो भी उनसे रिलेटेड चीजें थी ब्राह्मणिकल चीजें, उन सबको क्या करना, सोसाइटी से रिमूव करना या फिर उसको मतलब कि एक्सेप्ट ना करना ताकि इक्वालिटी प्रमोट हो सके। ये पहला पॉइंट है जिससे वेस्ट संस्कृताइजेशन की वजह से सोसाइटी बदलती है। अब दूसरा पॉइंट है वेस्टर्नाइजेशन। MN श्रीनिवास, फिर से इनका नाम याद रखना, डिफाइंस वेस्टर्नाइजेशन एज, इन्होंने किस तरह वेस्टर्नाइजेशन को डिफाइन किया, द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो भारतीय समाज में अंतर आया है आज या 1947 तक जो अंतर आ गया था वो किस वजह से आया, क्योंकि 150 साल के ब्रिटिश काल की वजह से वो अपने यहां से कल्चर ट्रेडिशन वे ऑफ लिविंग मान्यताएं नॉर्म्स बिलीफ सब कुछ ला के इंडियन सोसाइटी में उन्होंने क्या डंप किया। तो अब जब डंप किया तो फिर हम लोगों ने यूज करना शुरू किया और फिर हमारा कल्चर या हमारा ट्रेडिशन धीरे धीरे, आज कौन धोती कुर्ता पहनता है शहरों में, वी ऑल वॉन्ट टू वियर व्हाट जींस फॉर गर्ल्स टॉप। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिकल 21 ऑफ फ्रीडम देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है कोई भी कुछ भी पहन सकता है, पर हम समझ रहे हैं उस चेंज को जो आया तो वो किस वजह से आया, क्योंकि वो उन लोगों ने यहां पर इंट्रोड्यूस की ना ये चीजें, तभी तो सब समिंग चेंजिंग ऑकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। टेक्नोलॉजी देख लो, इंस्टीट्यूशन देख लो, आइडियोलॉजीज में देख लो, वैल्यूज में सब कुछ, क्योंकि उनके हमसे विपरीत था मामला। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इस वक्त बैठकर बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण। क्यों नहीं है संस्कृत में टॉपिक, ये अपने आप में क्वेश्चन है। वेस्टर्नाइजेशन डज इन्वॉल्व्स द लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स, इसको लिमिटेशन कर लेना ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर। इट डज नॉट नेसेसरली मींस दैट पीपल अडॉप्ट मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वेलिटी। अब देखो वेस्टर्नाइजेशन की मतलब, कहने का मतलब यह है कि अब आ रहा है बाहर से परिवर्तन आ रहा है देश के अंदर, वो लेकर आए यहां पे, या फिर आज भी जो परिवर्तन आ रहा है, पर ये याद रखना कि ये मैंडेटरी नहीं है कि इसको हर कोई फॉलो करेगा। आज भी आप देखो रूरल इंडिया में जाके लोग धोती ही पहनते हैं, कुर्ता ही पहनते हैं,
तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, पर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सब चीजें प्रमोट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीज, आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा, फेमस पेंटर अबिंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वर ऑल ग्रैपिंग विद द कॉलोनियल एनकाउंटर्स। ठीक है, इन सब ने उन जो उस समय परिवर्तन हो रहा था उस सब चीजों को अपनी किताबों के अंदर या अपनी कला के जरिए दर्शाया। श्रीनिवास सजेस्टेड दैट वाइल लोअर कास्ट सो टू बी संस्कृताइज्ड, अपर कास्ट सो टू बी वेस्टर्नाइज्ड। देखो श्रीनिवास जी ने क्या कहा कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो तो संस्कृताइज होते हैं, मतलब अपर जैसा बनना चाहते हैं, और जो अपर कास्ट है वो वेस्टर्न होना चाहती है क्योंकि वो पहले से ही समाज में उसको बड़ा दर्जा है, पर वो अब क्या होना चाहती है, दूसरों के जैसा जीना चाहती है, वेस्टर्नाइज होना चाहती है। इन अ डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया दिस इज जनरलाइजेशन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। और आमतौर पे भारत के अंदर आपको ये सब व्यवस्थाएं, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से हो गया इंडियन सोसाइटी अभी चेंज, पर बहुत ज्यादा तेजी से वी आर लूजिंग अवर कल्चर। मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, लेट अस सी। सेकुलराइजेशन मीन्स सभी धर्मों को बराबर का हक, कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था ये शब्द, ठीक है ना। और याद रखना आर्टिकल 25 से 28, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द अर्ली ईयर्स मॉडर्नाइजेशन रेफर टू इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। शुरुआत में मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता था, टेक्नोलॉजी को एडवांस्ड करना, उसमें परिवर्तन लाना। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीजिंगली हाउएवर द टर्म हैड अ वाइडर यूसेज, पर धीरे धीरे इसका परिवर्तन क्या हुआ, बदल गया। आज मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कैसे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी से घिर चुके हैं। इट रेफर टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट मच ऑफ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हैज टेकन। और ये देश कैसे डेवलप हुए, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसराइल आज इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, फ्रांस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम भी उस चीज को अपनाकर क्या हो रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। इट वुड बी सिंपलिस्टिक हाउएवर टू टर्म द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जस्ट एज अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एज दो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी देमसेल्फ आर फिक्स्ड आइडेंटिटीज। याद रखना ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों फिक्स्ड चीजें हैं। कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ते, और अगर वो अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ रहे तो याद रखना वो मॉडर्नाइजेशन को नकार रहे हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति अपने ट्रेडिशन को छोड़ देता है वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, कहने का मतलब तभी तो नॉर्म्स उसके बदलेंगे ना। और एज दो इंडिया हैज और हैड जस्ट वन सेट ऑफ ट्रेडिशन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बोथ प्लुरिटी एंड अ ट्रेडिशन ऑफ आर्गुमेंटेशन हैव बीन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ट्रेडिशन इन इंडिया। आमतौर पे भारत के जो कल्चर, भारत की जो सभ्यता है उसमें आपको बहुलवादी चीजें दिखाई देंगी, मिंटू से कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है और इवन अंतर भी है। एक कम्युनिटी का ट्रेडिशन अलग है, दूसरी का अलग है। अगर आप 8वें शेड्यूल की बात करो, 22 भाषाएं तो राजभाषा के रूप में दर्ज है, 1400 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं एज पर एनसीईआरटी डाटा 1450 के आसपास से। तो देखो फिर इतना बड़ा देश, तो फिर थोड़ा सा क्या होगा, आर्गुमेंटेशन हो जाता है या प्लुरलिटी आ जाती है। इन द मॉडर्न वेस्ट सेकुलराइजेशन हैज यूजुअली मीन्ड अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। सेकुलराइजेशन का मतलब होता है कि धर्म को चीजों से अलग कर देना। कहने का मतलब है कि देखो रिलीजियस जो एक्टिविटीज होती हैं, मीन टू से कि आई एम प्रमोटिंग माई रिलीजन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आई एम प्रमोटिंग ओनली माई रिलीजन, समझ रहे हो फर्क, आई एम प्रमोटिंग ऑल द रिलीजन। अब इस सेंटेंस और उस वाले सेंटेंस में फर्क है, ये पूरी व्यवस्था को बदल दे रहा है। तो सेकुलराइजेशन का मतलब देश को धर्म निरपेक्ष करना, मतलब देश के अंदर सभी धर्मों को बराबर का हक होगा पर देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का हक प्रदान है, पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। मीन टू से कि भारत, हम अपने आपको संविधान में ये डिक्लेयर नहीं करते कि हम ये धर्म के देश है, जैसे नेपालीज हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, बट वी हैवंट डिक्लेयर्ड दैट कि हमारा ये धर्म है देश का। जो हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म को मानता है उसको स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। इंडिकेटर्स ऑफ सेकुलराइजेशन हैव रेफर टू द लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेट्स ऑफ चर्चिज अटेंडेंस द सोशल मटीरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन द डिग्री टू विच पीपल होल्ड। अब देखो जैसे जैसे सेकुलराइजेशन बढ़ेगा तो कई बार क्या होता है कि
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, जैसे चर्च अटेंडेंस या ETC, द सोशल मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, द डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीव, ये चीजें क्या होंगी, कम होंगी। क्यों? क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग दैट आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, इट मीन्स देर इज नो सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन इन माई माइंड। तो कहने का मतलब है कि मैं किसी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर को ज्यादा प्रिफरेंस नहीं दे रहा ना, बिकॉज आई एम सेइंग दैट कि ऑल आर इक्वल। तो ये चीज, इन ट्रेडिशनल इंडिया कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क। पहले कास्ट सिस्टम क्या होता था, रिलीजियस फ्रेमवर्क में होता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ब्राह्मण इट मीन्स वी आर हिंदू, इफ वी आर शिया इट मीन्स वी आर, और सुन्नी इट मीन्स वी आर मुस्लिम, और इफ वी आर सिख सो इट मीन्स वी आर फॉलोइंग सिख रिलीजियन, सिखिज्म। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम किससे ऑपरेट होता था, रिलीजियस फ्रेमवर्क में। बिलीफ सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वर सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस, और जो भी लोगों के विश्वास होते थे या लोगों की मान्यताएं होती थी, वो इसी के अपने रिलीजन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। टुडे इट ऑफन फंक्शन एज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, और आज, एक सेकेंड, टू इट्स प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ रिचुअल्स एंड इम्यूनाइज आर लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मेटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे फोन गाड़ी ये सब चीजें चाहिए। किसके लिए मान्यताएं हैं रिचुअल्स की या धार्मिक नॉर्म्स एंड रेगुलेशन की? हर किसी को बस क्या, अच्छा डांसिंग, डिजाइनर क्लोथ, अच्छे, अच्छा, मतलब कि सब कुछ मेटेरियलिस्टिक बिलीव्स। याद रखना, मेटेरियलिस्टिक चीजें कभी सुख नहीं देती, वो सिर्फ अपने साथ टेंशंस लाती हैं। क्यों? अब मान लो एक व्यक्ति है जिसे गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। अब वो घर से बाहर जाएगा, पहले परेशान कि घर में ताला लगा के जाऊं कहीं चोरी ना हो जाए, और पहन के जा रहा है तो फिर कोई कुछ उसको ना कर दे। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल था, मेटीरियलिस्टिक चीजें अपने साथ शो ऑफ का तो सेटिस्फेक्शन ले आएंगी, पर वो हमारे माइंड में टेंशन भी क्रिएट करेंगी। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट एज वी आर मॉडर्नाइजिंग वी आर बिकमिंग मोर सेकुलर। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे, अब देखो ये बढ़िया चीज है मॉडर्नाइजेशन की, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हमें जो पुराने रीति रिवाज या पुराने नॉर्म्स हैं वो सब हमें छुड़वाती है, कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में, तो वो हमें सेकुलर बनाती है। क्योंकि जब मैं मॉडर्नाइज हूं, मेरी थिंकिंग ओपन है, तो मेरे लिए फिर ये नहीं है कि ये धर्म ज्यादा बढ़िया है, दूसरा बेकार है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। अगर मैं लिटरेट पर्सन हूं, मैं मॉडर्नाइज सोच रखता हूं कि भाई सभी बढ़िया है, वो गॉड एक है, तो ये वाली आइडियोलॉजी होगी माइंड में। रिलीजन कैन यूजुअली डिसअपियर फ्रॉम वन लाइफ एज वी, और एक व्यक्ति के जीवन से रिलीजन डिसअपियर भी हो सकता है। कब? जब वो फुल्ली मॉडर्नाइज हो जाए या फुल्ली चीजों को समझने लगे। एज वी आर बिकमिंग मोर मॉडर्न वी एज्यूमिंग दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन विद डिट्रॉइट, और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जाएंगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, रिलीजन की महत्वता जीवन में कम होती चली जाएगी। आज आप देखो अर्बन सिटीज में बहुत ही कम लोग हैं जो रिलीजियस, या बहुत ही कम यंग जनरेशन है जो रिलीजियस प्रैक्टिस करती है। उनकी एजुकेशन, जॉब, करियर, मेटेरियलिस्टिक चीजें, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस इज नॉट ट्रू एज प्रैक्टिसिंग डोरी आर, पर ये चीजें जैसे डोरी, ऑनर किलिंग्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं बहुत, जैसे जो बैकवर्ड इलाके हैं, बैकवर्ड राज्य हैं इंडिया के, वहां पे तो ये चीजें उस चीज को आज भी एग्जिस्ट करवा रही हैं। पर जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है, इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट इज ऑलमोस्ट प्रोमोटेड बाय इंटर कास्ट मैरिज, और मीन टू से कि सभी इंसान है, दैट डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट का है। वंस अपॉन अ टाइम कास्ट वॉज रेफर टू विद इन पॉल्यूशन प्योरिटी, ब्राह्मण है प्योर है, शूद्र है इम्प्योर है, ये थी ना उस टाइम मान्यताएं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। आज तो वी ऑल आर इक्वल, आर्टिकल 14, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सब चीजें आज हमें क्या करती हैं, मोर सेकुलर बनाती हैं। नाउ सम लीडर्स वर यूज कास्ट फॉर वोट बैंक्स, जानते ही हैं, और वो कौन है वो भी आप लोग जानते हैं। पावर्स एंड अथॉरिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियन, लो नेता क्या चाहते हैं, जात धर्म का उपयोग करके, भाषा का उपयोग करके सत्ता हथिया लो। दे मेक फुल यूज ऑफ द लॉज फॉर रिलीजियन कास्ट टू इंडियंस, ठीक है, और वो
इस तरह के कानून्स का भी उपयोग करते हैं जिससे वो क्या हो सके, और ज्यादा पावरफुल हो सके। रिलीजन एंड कास्ट, कास्ट सिस्टम इज द वीकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, अब तक का सबसे बेहतरीन पॉइंट, क्योंकि डेवलपमेंट को रोका है इसने। जब तक हम सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट नहीं करेंगे, इक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो फिर कैसे डेवलप हो जाएगा? एक सेक्शन सोसाइटी का डेवलप्ड हो गया, बाकी सेक्शंस का क्या होगा भाई? तो ये चीज, कास्ट आइडेंटिफाइज हैविंग पॉलिटिकल बैकिंग, और कास्ट आइडेंटिटीज ये भी बताती हैं कि इस व्यक्ति का राजनीतिक अस्तित्व या इस कम्युनिटी का राजनीतिक अस्तित्व कैसा है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो, कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द जिससे आप हर्ट हुए हैं अगर इस चैप्टर के दौरान, तो हम आपसे बहुत क्षमा मांगते हैं। हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। ये समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र मतलब समाज को समझना, और समाज का हिस्सा आप भी हैं और हम भी हैं। तो फिर कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं ऐसे, पर उनको एज ए स्टूडेंट्स ही लेना, ठीक है ना? वो आपकी बुक्स में है तो टीचर एक्सप्लेन भी उनको इसी वे में कर रहा है, पर पर्सनल इंटेंशन कुछ नहीं है। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज हमारा चैनल इतना ग्रो हो गया। बाकी कंटिन्यूअस ये प्यार बनाए रखिएगा ताकि और ग्रो हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स? धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, डेडिकेटेड वे में कीजिए, बढ़िया रहेगा रिजल्ट। धन्यवाद।